अभी तक जो हम आज 15 साल से हम जो काम किए उसका सफलता हमें दिख गया कि मतलब वहाँ तक हम पहुँच सके जो हम सपनों मतलब इसका सपना देखते थे। ये मेरी इच्छा थी कि काश हम भी वहाँ तक पहुँच पाते और वो मेरा सपना पूरा हो रहा था। पूरे बिहार से सिर्फ हम मिले हैं, सिर्फ हमें ही मिला है सिंगल। बिहार झारखंड यूपी इस तीनों में से कहीं से नहीं मिला था। हर साल पूरे मतलब इंडिया लेवल पे 51 लोगों का सिलेक्शन होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बिहार झारखंड यूपी से सिर्फ हम अकेले थे। इस 15 साल में हम फैमिली प्लानिंग, टीकाकरण, कोविड में बहुत सारा कार्य किए हैं, मतलब BHSND और महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, NCD, टेलीमेडिसिन, IDSP, इस तरह से हम लोगों का जितना भी कार्य है सभी काम में हमने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया था। हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आज हम वहाँ तक पहुँच सके हैं तो हमारी सभी बहनें बहुत कार्य करती है। नो डाउट कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, सब लोग काम करती हैं। अपने काम को अच्छे तरीके से करें, धैर्य, सहानुभूति, जैसा कि नर्सिंग का रूल है हमारी जो है कि बिल्कुल शांत रहना, सबों को दिल तक अंदर तक समझना, दुख को दूर करना। जब हमसे मिले तो लोगों की परेशानी आधा घट जाए, ऐसा। जब पूरा भारत एक तरफ कोरोना से जूझ रहा था, पूरे देश जो है वो कोरोना से जूझ रहा था, तब जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कोरोना काल के मरीज यानी कोरोना क्वारंटीन में जा करके सभी कोरोना वायरस से जो ग्रसित मरीज थे उनका सेहत का ख्याल रखते थे। उसी सेहत के ख्याल रखने में सिखपुरा के एक ANM को राष्ट्रपति सम्मान मिला। अभी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। कैसा लगा जब उस राष्ट्रपति आपको पुरस्कार देने बुलाए थे, उस समय कैसा? मुझे बहुत बहुत ही खुशी मिली, इतनी खुशी मिली जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो हम आज 15 साल से हम जो काम किए उसका सफलता हमें दिख गया कि मतलब वहाँ तक हम पहुँच सके जो हम सपनों मतलब इसका सपना देखते थे। ये मेरी इच्छा थी कि काश हम भी वहाँ तक पहुँच पाते और वो मेरा सपना पूरा हो रहा था, इसलिए मुझे बहुत बहुत ही खुशी हो रही थी। पूरे बिहार से कितने लोगों को मिला है? पूरे बिहार से सिर्फ हम मिले हैं, सिर्फ हमें ही मिला है सिंगल। बिहार झारखंड यूपी इस तीनों में से कहीं से नहीं मिला था। हर साल पूरे मतलब इंडिया लेवल पे 51 लोगों का सिलेक्शन होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बिहार झारखंड यूपी से सिर्फ हम अकेले थे। अच्छा, ऐसा क्या काम उस कोरोना काल में आपने किया जो और ANM को नहीं मिलके आपको मिला, ऐसा कुछ काम? ये जो होता है ये सिर्फ कोरोना काल का ही नहीं है, ये हमारे 15 साल का जो कर्मों का फल था वो मिला है। इस 15 साल में हम फैमिली प्लानिंग, टीकाकरण, कोविड में बहुत सारा कार्य किए हैं, मतलब BHSND और महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, NCD, टेलीमेडिसिन, IDSP, इस तरह से हम लोगों का जितना भी कार्य है सभी काम में हमने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया था। और सबों का सर्टिफिकेट हमें मतलब अपने ब्लॉक लेवल से, जिला लेवल से, स्टेट लेवल से मिला था। उसी के परिणाम स्वरूप हमें वहाँ भी सिलेक्शन किया गया और वहाँ हमें अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। सबसे पहला श्रेय तो भगवान, अपने माता पिता और उसके बाद हम अपने आदरणीय सिविल सर्जन सर को देते हैं, क्योंकि ये पहले हमारे प्रभारी थे। उसी समय से इन्हीं के मतलब संसर्ग से हम शुरू से काम करने का तरीका सीखे हैं, कैसे काम करना है, कैसे किसी भी टारगेट को अचीव करना है। हमेशा मतलब जब भी हम कोई टारगेट अचीव करते थे हमेशा सम्मान किए हैं, हर बार अच्छा करने के लिए प्रेरित करते थे और अच्छा करते थे, उसके परिणाम स्वरूप हमें सम्मानित करते थे और इन्हीं के सारे सम्मानों के परिणाम स्वरूप हमें वहाँ तक सम्मानित किया गया है। और भी जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य कर्मी, उनको क्या संदेश देना है? हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आज हम वहाँ तक पहुँच सके हैं तो हमारी सभी बहनें बहुत कार्य करती है। नो डाउट कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, सब लोग काम करती हैं। अपने काम को अच्छे तरीके से करें, धैर्य, सहानुभूति, जैसा कि नर्सिंग का रूल है हमारी जो है कि बिल्कुल शांत रहना, सबों को दिल तक अंदर तक समझना, दुख को दूर करना। जब हमसे मिले तो लोगों की परेशानी आधा घट जाए, ऐसा होना बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम जरूर हमें सफलता मिलेगी। ये शेखपुरा के सिविल सर्जन जी हैं, क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन शेखपुरा। क्या कहिएगा आपके जिले के जो भी जो ANM है उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला, क्या ये इनका 15 सालों का निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए हैं? हमेशा हर एक साल इनका सराहनीय कार्यों के लिए जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया है और जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग हर एक साल इनको विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार ये हर एक साल मिलते रहा है और उसी का ये परिणाम है कि इनका निष्ठा मनोबल और बढ़ते गया और काम में निष्ठा रखी, जिसके कारण सभी स्टेट लेवल पर भी इन्हें कई बार पुरस्कार मिल चुका है। और इसी पर आज 3 स्टेट में सिर्फ हमारे शेखपुरा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा के गब्बे उपकेंद्र की ANM गायत्री कुमारी को मिला है, जिससे हमारा बिहार का ही गौरव नहीं है, हमारे जिला भी पूरा गौरवान्वित है और स्वास्थ्य विभाग खास करके स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप में गौरवान्वित है और खुशी महसूस कर रहा है। देखिए हमारे साथ शेखपुरा के जो सिविल सर्जन थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से कोरोना काल हो या फिर 15 सालों का इनका कार्यशैली बताया कि 15 सालों में ये किस तरह से कार्य किए, उनका ये सम्मान मिला, क्या कहिए? मैं एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी, ये मेरा सपना था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मेरा सपना था। मैं नर्सिंग पेशे में आई थी, बहुत सारे लोग नर्सिंग में नहीं आना चाहते थे जिस समय हम ज्वाइन किए थे, लेकिन हम इसको पसंद करते थे। मेरे पास टीचिंग का भी ऑप्शन था लेकिन हम उसको ठुकरा के इसमें आए थे, तो इसलिए हमें लगता था कि नहीं हम इसमें कुछ ऐसा करें कि इसके प्रति लोगों का मतलब भावना जो है वो चेंज हो जाए, और वो आज हम कर दिए हैं। देखिए शेखपुरा के इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, यानी राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है। ये जो है टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्यकर्मी बन करके ये पूरा देश का आज नाम रोशन किया। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।